हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की पर्सपेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 5 इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सेक्शन 5.2 मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस को प्रपोज किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंडिविजुअल की जिनकी ये मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं और किन किन सेक्टर्स में मल्टीपल इंटेलिजेंस देखा जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये भी हम बात करेंगे कि इस सेक्शन से आपके बीएड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है और आप उसे किस तरह अटेंड करें। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे और कोई भी सेक्शन आपसे मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंस। अगर सवाल मल्टीपल इंटेलिजेंस है तो आप हार्वर्ड गार्डनर का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा अपनी आंसर के शुरुआत में। फिर डेफिनेशन बताइएगा मल्टीपल इंटेलिजेंस के और हर एक मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो टाइप है उसे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद जाके आप हर एक टाइप को एक्सप्लेन कीजिएगा। डेफिनेशन में लिखिएगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस इज अ थ्योरी दैट वॉज प्रपोज बाय हार्वर्ड गार्डनर। ही सजेस्टेड दैट एवरी वन हैज All 8 इंटेलिजेंस एट varying difference of proficiency। यानी उनका जो मानना था वो प्रीवियसली इनसे पहले जो इंटेलिजेंस की थ्योरी थी कि एक जी फैक्टर होता है और वो सारे जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज हैं उसको रेगुलेट करता है। हार्वर्ड गार्डनर ने इसे बोला था कि ऐसा कोई जी फैक्टर नहीं होता, एक कोई ऐसा सिंगल फैक्टर नहीं होता बल्कि 8 इंटेलिजेंट फैक्टर्स होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। यानी ये 8 फैक्टर्स हर एक इंडिविजुअल के अंदर होते हैं पर अलग वो होता है, यानी उसका डिग्री अलग होता है कि वो कितनी परिमाण में है उसके हिसाब से इंडिविजुअल का नेचर और उसका इंटेलिजेंस होता है। तो यही उनका मानना था। और जो 8 तरीके की जो इंटेलिजेंस उन्होंने बताए थे वो था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्टिक एंड इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये 8 तरीके के इंटेलिजेंस उन्होंने बताए थे और इनका मानना था कि यही 8 तरीके इंटेलिजेंस जो सा भी इंटेलिजेंस इनमें से इंडिविजुअल में ज्यादा है तो उसका इंटेलिजेंस उस चीज में ज्यादा होगा, उसका परफॉर्मेंस उस चीज में बेहतर रहेगा। This theory challenges the traditional theory of intelligence that there is one single factor known as G for general intelligence that only focuses on cognitive ability. तो इनका जो traditional जो intelligence theory था G factor का, उन्होंने चैलेंज किया था कि ऐसा सिंगल G factor नहीं होता बल्कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं। इसके बाद आप सिंगल सिंगल इनके इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन कीजिएगा। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है एक इंडिविजुअल की रीड करने की कैपेबिलिटी, राइट या कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी, यानी एक लैंग्वेज को समझने की कैपेबिलिटी को हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। इट इज द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट द वर्ड्स। पर्सन विद दिस has the ability to learn languages and capacity to use language to accomplish certain goals। तो हम एंकर्स की बात करें जो अच्छा एंकरिंग करते हैं या फिर हम लेखकों की बात करें, पोएट पोएटस की बात करें, इन सब में ये इंटेलिजेंस होता है जो अपनी गोल को फुलफिल करने के लिए अपनी इस इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। सेकेंड आता है लॉजिकल इंटेलिजेंस, यानी हर एक चीज को लॉजिकली एनालाइज करना कि वो किस तरह काम करता है और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करवाना इस इंटेलिजेंस में जाती हैं। इट इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स लॉजिकली, कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टिगेट इश्यूज साइंटिफिकली। पीपल विद दिस हैज एन एबिलिटी टू डेवलप इक्वेशंस एंड प्रूफ एंड मेक कैलकुलेशंस एंड सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। सो जिन इंडिविजुअल्स में ये कैपेबिलिटी होती है या तो वो अच्छे बैंकर्स होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं या फिर ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जिनमें एनालिटिकल पावर्स होती है, तो वो इंडिविजुअल जो अपनी लॉजिकल एनालिसिस को डिफरेंट फील्ड्स में यूज कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं।
थर्ड है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस होता है जब आप किसी फिगर को एनालाइज कर पाते हैं उसके 3D स्ट्रक्चर से, उसको ऑपोजिट करके कैसा होगा, उसका मिरर इमेज कैसा होगा, या फिर एक स्पेस में कौन सी चीज़ सही बैठेगी, डायरेक्शंस को आप एनालाइज कर पाते हैं, उसे विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू थिंक एंड एनालाइज पिक्चर्स, स्पेस, सेंस ऑफ डायरेक्शन। पीपल विद दिस इंटेलिजेंस हैव एन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैन्युपुलेट लार्ज स्केल एंड फाइन ग्रेन्ड स्पेशल इमेजेस। तो यहाँ जो इंडिविजुअल होते हैं वो आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, जो एक लार्ज स्केल में चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं या फिर बहुत छोटे स्केल में भी उसे एनालाइज कर पाते हैं कि वो फ्यूचर में किस तरह होंगी, इसे इस चीज़ों को किस तरह रोटेट करने से वो परफेक्टली बैठेगा। तो आर्किटेक्चर बेसिकली जो है वो समझ पाते हैं, स्पेस को एनालाइज कर पाते हैं। फोर्थ है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ म्यूजिकल सेंस होता है इंडिविजुअल्स का, जो उसका रिदम होता है, पीच होता है, टोन होता है, वो समझ पाते हैं। वो कंपोजर्स होते हैं, म्यूजिकल कंपोजर्स हो सकते हैं या सिंगर्स हो सकते हैं, या फिर वो जो म्यूजिक समझ पाते हैं। तो इसमें लिखिएगा कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द स्किल इन परफॉर्मेंस, कंपोजिशन एंड एप्रिशिएशन ऑफ म्यूजिकल पैटर्न। तो म्यूजिक को परफॉर्म करना, उसका कंपोज करना या उसे अप्रिशिएट करना, वो इस इंटेलिजेंस में जाता है। पीपल विद म्यूजिकल इंटेलिजेंस हैव एन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्रिएट म्यूजिकल पिच, रिदम एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है फिफ्थ। इसमें जाता है वो इंटेलिजेंस जिसमें ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट कर पाने की टैलेंट होती है, यानी नेचर को समझने की टैलेंट होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट करके बहुत सिमिलर दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को, दो अलग स्पीशीज समझने की टैलेंट होती है, उसे इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स एक्सपर्टाइज इन द रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूमरस स्पीशीज, द फ्लोरा एंड फौना, यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स। People with naturalistic intelligence have an ability to identify and distinguish amongst different types of plants and animals. So, ऐसे लोगों के पास जो animals and plants और दूसरे species को differentiate कर पाते हैं, जिस तरह scientists जो taxonomy या classification के scientists हैं वो इसमें जाएंगे। इसके साथ सिक्स रहेगा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें अपने बॉडी को कितनी स्किलफुली यूज कर पाते हैं वो इंटेलिजेंस जाती है, जिसमें एथलीट, जिमनास्ट लोग जाएंगे। इसमें लिखिएगा इट इज द एबिलिटी टू यूज बॉडी स्किलफुली, पर्पसिव मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूजिंग वंस होल बॉडी और पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक द हैंड और द माउथ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू फैशन प्रोडक्ट्स। तो इसमें फैशन प्रोडक्ट्स भी डिजाइन किए जाते हैं, जिनके पास ये इंटेलिजेंस होती है वो समझ पाते हैं कि किस चीज को, किस बॉडी के फॉर्म को, किस तरह की प्रोडक्ट ज्यादा सूट करेगी। तो उस तरह की इंटेलिजेंस जाती है। पीपल विद बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हैज एन एबिलिटी टू यूज वंस ओन बॉडी टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, परफॉर्म स्किल्स और सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू माइंड बॉडी यूनियन। इसके बाद जाता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रा मतलब विद इन अ पर्सन। तो जब इंसान अपने को समझ पाता है, अपनी फियर को समझ पाता है, अपनी कैपेबिलिटी, अपने डिमेरिट्स को समझ पाता है, अपने डिजायर्स को समझ पाता है, तो ये सारी चीजें जब इंडिविजुअल अपने को लेकर सही तरीके से खुद को समझना, उसे कहा जाता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज अ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड ओन स्ट्रेंथ, स्टाइल एंड वन सेल्फ, ओन्स डिजायर, फियर एंड कैपेसिटीज, एंड टू यूज सच इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली इन रेगुलेटिंग वन्स ओन लाइफ। सो जब आप खुद को समझ पाएंगे तब जाके आप अपनी जो लाइफ है उसे रेगुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली रेगुलेट कर पाते हैं। पीपल विद इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हैव एन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड देयर ओन डिजायर, मोटिवेशन एंड इंटेंशंस। एथ में जाएगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल यानी विद इन द पीपल, दूसरों को समझ पाना, उसे इंटरपर्सनल कहा जाता है। इंट्रा मतलब खुद को समझ पाना, विद इन अपने अंदर, और इंटर मतलब दो लोगों के अंदर का रिलेशनशिप समझ पाना। यानी इसमें, इस इंटेलिजेंस में लोग दूसरों के, दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उन्हें मोटिवेट कर पाते हैं, उनके जो लिमिटेशंस है या उनकी स्ट्रेंथ है वो उन्हें जान पाते हैं। ऐसे लोग सोशली बहुत
अप्रिशिएटेड होते हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप सोसाइटी में मेंटेन कर पाते हैं. इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस, मोटिवेशंस एंड डिजायर ऑफ अदर्स एंड इन्वॉल्व सोशल इंट्रैक्शन. पीपल विथ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हैव एन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स मूड, डिजायर, मोटिवेशन एंड इंटेंशंस. तो फ्रेंड्स, ये एक रिकैप है मल्टीपल इंटेलिजेंस का. पहला है विजुअल स्पेशल, यानी पिक्चर्स को एनालाइज कर पाना, स्पेस को मैनिपुलेट कर पाना, वो विजुअल स्पेशल जाता है. लिंग्विस्टिक वर्बल, यानी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, वर्ड्स को समझ पाना. इंटरपर्सनल, यानी लोगों के बीच, दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप समझ पाना, दूसरों को समझ पाना. इंट्रापर्सनल, यानी खुद को समझ पाना. लॉजिकल, मैथमेटिकल, यानी हर चीज को एक लॉजिकल एनालिसिस कर पाना, एक अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेटिव अंडरस्टैंडिंग होना, उस इंटेलिजेंस को हम बोलेंगे लॉजिकल मैथमेटिकल. म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग को म्यूजिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं. बॉडीली काइनेस्थेटिक्स बोलेगा, अगर खुद की बॉडी को अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं, जिस तरह जिमनास्ट करते हैं. और नेचुरलिस्टिक्स, यानी नेचर को समझ पाना, फ्लोरा एंड फोना, एनिमल्स एंड प्लांट्स, स्पीशीज को समझ पाना, तो उस इसे कहते हैं नेचुरलिस्टिक. तो ये 8 तरीके की चीजें हैं जो हार्वर्ड गार्डनर ने बनाई थी अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे और कोई भी सेक्शन आपसे मिस ना हो. थैंक यू.